गली में। मलाड मालवनी रामनवमी क्लैशेस में जमील मर्चेंट ने पुलिस सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलने पर हाई कोर्ट में पिटीशन की फाइल। सुप्रीम कोर्ट के बेल ग्रैंड करने के एक हफ्ते के बाद तलुजा जेल से रिहा हुए एल्गार परिषद मामले में एक्टिविस्ट वेरोन गोसल्वेस और अरुण फरेरा। नशे की हालत में मुंबई पुलिस को कॉल कर लोकल ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। ISI महाराष्ट्र मॉडल केस में NIA ने पालघर और भिवंडी में रेड कर 6 सस्पेक्ट को किया गिरफ्तार। थाने की कॉलेज की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन, सीनियर NCC क्रेडिट पर केस किया दर्ज। BST स्ट्राइक पांचवे दिन भी रही जारी, हजार से ज्यादा बसेस मुंबई की सड़कों से हुई गायब। मनोहर पुलिस स्टेशन में एक अजीब गरीब केस हुआ दर्ज, पालघर में होटल के पास पार्क कार का शीशा तोड़कर 2.5 लाख के करीब इलेक्ट्रॉनिक गुड और कैश हुआ चोरी। 17 साल की नाबालिग लड़की का रेप करने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने उत्तराखंड के गांव से धर दबोचा। कौओं के इंसान पर हमला करने की घटनाओं के बाद माहिम के एक्टिविस्ट इरफान मच्छीवाला ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कौओं की पॉपुलेशन पर कंट्रोल करने का सजेशन दिया। नवी मुंबई पुलिस ने कछोर विलेज से 63,000 की ड्रग्स के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार, जिसमें एक महिला भी शामिल है। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मेंटली अनस्टेबल कॉलर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिसके बाद उसे रिलीज कर दिया गया। बहन से वसूली की बात पर गुस्साए दो भाइयों ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बहन के लिव इन पार्टनर की हत्या, कल्याण के नदी में बॉडी को फेंका। मुंबई की रहने वाली सास प्रभा मोटा ने बहू अमीषा मोटा को किडनी डोनेट कर कायम की मिसाल। कई राज्य की केस स्टडी के बाद लव जिहाद पर कानून बनाएगी महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस बोले कन्वर्जन के कई मामले आए सामने। BST AC बस चलाने से रोकने की कोशिश किया कॉन्ट्रैक्ट बेस वर्कर ने मालवनी मलाड में। महाराष्ट्र NCP चीफ जयंत पाटिल मिले होम मिनिस्टर अमित शाह से, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या आ सकता है फिर कोई बड़ा बदलाव। बांद्रा में गन पॉइंट पर ज्वेलरी शॉप को लूटने वाले कश्मीरी नौजवान को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। शिवसेना UBT MLA रविंद्र वाइकर से 500 करोड़ स्कैम मामले में EOW ने की पूछताछ। फ्लाइट में स्मोकिंग करने का एक और मामला आया सामने, दुबई से मुंबई आ रही इंडिगो फ्लाइट में टॉयलेट में स्मोकिंग करते हुए पाया गया पैसेंजर, सहार पुलिस स्टेशन में हुआ मामला दर्ज। वर्सावा के समंदर में मछली पकड़ने गई नाव डूबी, एक मछुआरा तैर कर किनारे पर आया, दूसरे की तलाश जारी। महाराष्ट्र के नासिक में तहसीलदार को 15 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया एंटी करप्शन ब्यूरो ने। होम मिनिस्टर अमित शाह ने पुणे का दौरा किया, अचानक ही प्लान में बदलाव कर सभी मीटिंग को कैंसिल कर दिल्ली के लिए हुए रवाना। मुंबई पुलिस की ANC यूनिट ने फार्मास्यूटिकल रैकेट का किया पर्दाफाश, 28 लाख की कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स और 3.5 लाख रुपए कैश किया बरामद। गदर 2 के एक्टर लव सेना ने नौजवानों को ड्रग्स से दूर रहने की दी सलाह। बिग बॉस OTT 2 के पहले फाइनलिस्ट बने अभिषेक मल्हान,